मधुबनी बिहार का एक जिला है। ये है प्राचीन मिथिलांचल। जहां दिखाई देती है एक अपूर्व चित्रकला जो मिथिला चित्रकला नाम से प्रसिद्ध है और विशेष तौर पर मधुबनी चित्रकला कहलाती है। विवाह के अवसर पर दीवारों पर चित्रकारी करना इस जगह की प्राचीन प्रथा है। ये एक धार्मिक आचार भी है। वर वधु के रहने वाले कमरे में कोहबर चित्रकारी की जाती है। इसका उद्देश्य है नव दंपति पर देव देवियों का आशीर्वाद। विवाह का मतलब है नर नारी का मिलन, इसीलिए अलंकरण में सुप्त यौनता प्रकाश पाती है। ये प्राचीन चित्रकला आज केवल दीवारों तक ही सीमित नहीं है। कागज और कपड़ों पर भी देखे जा सकते हैं। धर्म की सीमा लांघकर आज यह चित्रकला स्थानीय चित्रकारों के लिए जीविका उपार्जन का मुख्य माध्यम है। बचपन से ही चित्रकारी देखते हुए लोगों में शिल्प बोध और सृष्टि की प्रेरणा जागृत होती है, यह बात अलग से कहने की शायद जरूरत नहीं। पर क्या इस चित्रकला को सीखने की कोई निर्दिष्ट पद्धति नहीं है? होना तो चाहिए, तो चलिए इसी की खोज करते हैं। नया विद्यार्थी को जो हम लोग सिखाते हैं, सबसे पहले लकीर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं।
पिसिना कतौ लुसिना कतेक तोरा तक बोरो एही बन में कतेक तोरा तक बोरो एही बन में रौ विद्यापति तोरा लेल कनै छथि रौ सुधीरा तोरा लेल कनै छथि हे रौ उगना हमर भंग पिसना कतौ गेल रुसना कतेक तोरा तक बोरो एहि बन में अभ्यास बन में अपने संग अभ्यास 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 उगना अभ्यास रुसना अभ्यास 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 तोड़ा लेल कनै छथि अपना करनी परमाथा पीटै छथि अब इसके अंदर कोई भी मोटिव डालेंगे तो ये बॉर्डर अंडरलाइन करके इसके अंदर मोटिव डालना होता है। जैसे कि हम शुरू करेंगे सबसे छोटा सा हल्का सा नमूना से, आप पेंटिंग नीब से भी बना सकते हैं और ब्रश से भी, दोनों से ही, जिससे आसान हो उससे आप पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया ब्रश से बना हुआ मछली। इसको जितना सजाएं जितना सुंदर बनाएंगे उतना इसको डबल लाइन करना होगा। डबल लाइन करके सारे ही मतलब मोटिव हो फिगर हो डबल लाइन जी जी आदमी भी बनाएंगे तो डबल लाइन। हाँ सिर्फ फेस छोड़ के बाकी। अच्छा फेस को क्या? फेस को नहीं बाकी कमर का भी फेस को नहीं। नहीं इसका फेस तो गोल है इसको कर सकते हैं। अब ये चिड़िया बन के तैयार हो गया। फिनिशिंग के लिए कचनी करना पड़ेगा। Thank you.
हमारे जो विद्यार्थी हैं कभी कलम नहीं पकड़ा, कभी सीखा नहीं है, उसको कलम चलाने के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट दें जिससे कि आराम से वो सीख सके, कैदे से उस पर कलम चला सके। इसलिए मैंने एक ठो अपना एक निकाला ऐसा सब्जेक्ट देखा। इसमें देखिए, ये है अंडा, ये अंडा तो बन गया है, आपने देखा ये अंडा है, और इस अंडा से इस मछली को निकालना है। अब हम इसमें से ऐसे एक जोड़ा मछली निकलेगा इसमें से, आराम से देखिए आप लोग कैसे निकलता है। अब ये देखिए कि जो मछली कैसे निकलता है इस अंडे से। ठीक है, एक मछली निकल गया, अब देखिए दूसरा भी मछली निकलेगा। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। ये देखिए आप इसको, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब तो ये मछली तो हो गया, लेकिन इसमें पंखी वगैरह भी लगा रहता है मछलियों, इसलिए इसको पंखी भी लगाना पड़ेगा, जिससे जिस पंख से मछली तैरती हैं। हाँ 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 ठीक है,
आंखों का चित्र बनाने पर गौर करना होगा। पहले तुम हम जो बनाए हैं ये चित्र, इस पर तुम हाथ, जैसे गुरुजी हाथ घसवाता है ना, उसी तरह इस पर तुम चलाओ कलम, नीब और पेन से उस पर चलाओ। वो नीब पेन चढ़ाते चढ़ाते, वो हमारे फिगर पर नीब चलाते चलाते वो उसका हाथ सही हो जाता है। तो तब उसको हम कहते हैं कि तुम खुद अपने बॉर्डर बनाओ। वाकई अभ्यास किए हुए हाथ अपने पद्धति अनुसार ही चित्र बना लेते हैं। सहज सरल तरीके से चित्र बनाने से पहले कागज की पटभूमि की तैयारी करना जरूरी है। कपड़े से ऐसे छाना जाता है ताकि केवल पानी ही गिरे। कागज पर गोबर के पानी का लेप लगाना सीखना भी जरूरी है। कागज पर गोबर के पानी का लेप स्याही और रंगों को उभारता है और इससे चित्र की आयु भी दीर्घ होती है। हालांकि अब एक्रिलिक और फैब्रिक रंगों से चित्र बनाए जाते हैं, पर प्राकृतिक रंगों को बनाना सीखना जरूरी है। शिवली के पत्ते,
हरा रंग, नीलकंठ फूल, नीला रंग, गुलाब का फूल, लाल रंग, कत्था, भूरा, कच्ची हल्दी, पीला रंग, चूना, सफेद रंग, भूषे काली, काला रंग। अब रंग के साथ जरा सा गोंद मिला लिया, बस उपयोग के लिए तैयार। वाह, Thank you.
एक पूर्ण चित्र में अलंकरण की अहम भूमिका है। याद रखना होगा कि मधुबनी की पद्धति में कागज पर खाली जगह छोड़ने की प्रथा नहीं है। मधुबनी चित्रकला शैली में पर्सपेक्टिव का व्यवहार नहीं है। दूरी समझाने के लिए कोई वैनिशिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन मेट्रिक या ऑब्लिक प्रोजेक्शन जैसे फॉल्स पर्सपेक्टिव का प्रयोग विधि सम्मत है। एक और जरूरी विषय, कागज के एक छोर के बजाय घुमा फिरा कर अलग अलग छोरों से चित्र बनता है, जिससे कंपोजिशन और मजेदार हो उठते हैं। दीवारों पर चित्रकारी का अभ्यास बहुत उपकारी है। कंधे से हाथों तक की चालना के कारण हाथों की बनी रेखाएं दृढ़ और शक्तिशाली हो उठती हैं। हाथ तो सद गए, पर नई सोच, विषय चुनना, चिंतन मनन के उन्नति के लिए और भी कुछ करने की जरूरत है। वे क्या हो सकते हैं? अपने आस पड़ोस को नई नजर से देखना, अपने इतिहास, धरोहर, उत्तराधिकार को जानना। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रहा है। विश्व के प्रवाहमान धारा से जुड़ना। Mount Everest, the world's highest peak. They contain 40% of the world's fresh water. The tallest mountains on Earth. Home to 55. Summiting Mount Everest for the second time. Mountaineer Dava Stephen Sherpa. और इतना बड़ा खत्म हो रहा है।
वृक्ष काट मत करो अपमान, वृक्ष देता जीवन दान, वृक्ष और मानव भाई भाई, वृक्ष और मानव भाई भाई, वृक्ष लगाओ, 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 वृक्ष लगाओ। अपनी सोच को अलग ढंग से व्यक्त करना। अपने शिल्प को उसके प्रथागत रूप से बाहर आकर देखना। तैयार? तो अब शुरू करें।